तीजमान योग केंद्र में आज मैं आपको एक बैठे बैठे करने वाले ऐसे सुंदर और लाभकारी आसन के बारे में, अभ्यास के बारे में आपको मैं जोड़ना चाहूँगा कि क्या होता है कि आजकल हृदय रोग, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल की समस्या, साथ ही साथ सीने की तरफ और पीठ के तरफ बाहों में एक्स्ट्रा चर्बी हो जाने के कारण शरीर की आकृति, पोस्चर खराब हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसको कैसे हम ठीक करेंगे, तो आपको पालथी मार के बैठना है और आप देखेंगे दोनों हथेलियों को, मुट्ठी को बांध करके और केहुनी को और मुट्ठी को भी सटा करके और 5 बार फैलाइए। एक सांस भरते हुए सटाइए, सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5 रोक दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों हाथ को माथे के पीछे लगाएंगे और सांस भरते हुए दोनों केहुनियों को पीछे की तरफ ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए दोनों केहुनियों को आगे की तरफ 10 बार करेंगे। 1, 2, 3 पीछे की तरफ ले जाने पर आपका फोकस होगा, आगे तो आसानी से आ जाता है, पीछे जितना ले जाएंगे पूरे आपके केहुनी से लेकर के और पूरे गर्दन होते हुए दोनों केहुनियों तक गले के पास और पीठ के तरफ के फैट को मेल्ट करता है और वहाँ के नस नाड़ियों को एक्टिव करता है। यानी एक ही क्रिया को आपको 25 बार, 50 बार, 100-100 बार करना है। इसके उपरांत अब तीसरा स्टेप है कि दोनों हाथ को हम रखते हैं कंधे के ऊपर और सीधे सांस भरते हुए ऊपर ले जाते हैं और फिर सांस को छोड़ते नीचे लाते हैं। 10 बार कम से कम करेंगे, पूरा ऊपर ले जाइए, दोनों बांह को कान में सटाइए। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो आपके साइड की चर्बी, पेट की चर्बी, सीने की तरफ की चर्बी, गले की तरफ की, बांहों की चर्बी, पीठ के तरफ की चर्बी धीरे धीरे स्वाहा। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ इस अभ्यास को करने से भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ साथ हो रहा है, तो आपको श्वसन तंत्र की कोई समस्या यानी सांस की कोई समस्या, हाँफ की कोई समस्या, दम फूलने की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके उपरांत आपको एक हाथ को बाएं घुटने पर रखेंगे, दाहिना हाथ खड़ा करेंगे और सांस भरते हुए उसे ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे 10 बार पीछे की तरफ, गर्दन भी पीछे ले जाएंगे साथ साथ। बहुत अच्छा, पूरा बाएं और पूरा दाएं पूरा घुमाइए, इधर भी लाएंगे पूरा इस तरफ और इधर भी ले जाएंगे उधर उस तरफ 10 बार कम से कम। ये अभ्यास करने से आप देख रहे हैं पूरा हमारा पेट का इलाका ट्विस्ट हो रहा है, घूम रहा है, गर्दन भी हमारे घूम रहे हैं। तो गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट की चर्बी और बांहों में ताकत लाने की यह जबरदस्त अभ्यास है। 10 बार हो जाए तो इस अभ्यास को दूसरे हाथ से कर लेंगे। ताकत के साथ करिए, मुस्कुराते हुए करिए, उत्साह और ऊर्जा के साथ करिए। माँ भगवती की प्रार्थना करिए, हे सूर्यदेव हमें अपने जैसा बनाओ, हे चंद्रदेव आप मुझे शीतलता भी प्रदान करो। यानी एक हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। यानी सभी देवी देवताओं के हाथों में आप विभिन्न प्रकार के अस्त्र और आयुध देखे हैं, वो सब पापियों के, दुराचारियों को नष्ट करने वाले।